इस वीडियो में समझेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का एजुकेशन में यूज क्या है, जहां दूसरा इसका टाइटल एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एनपीसी या तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इन एजुकेशन ऑफ एनपीसीई। इसके लिए आपको तीन चार कंसेप्ट जो पहले वीडियो इससे पहले नीचे लिंक दिया गया है उसमें समझने होंगे, वो कौन से हैं, पॉपुलेशन और सैंपल एंड सैंपल साइज क्या होता है, मीन मीडियन मोड क्या होता है, आइटम्स किसको कहते हैं, क्वेश्चन को जहां प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस टेस्ट की एग्जांपल देंगे आप, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जिसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैलकुलेट होती है, यही पॉइंट इसमें बनने हैं, तो इनको आपने याद रखना है। दूसरी एग्जांपल हमने की थी, ये भी उसकी आइटम ही है, रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की ऐसी आइटम्स हैं उसमें। और हमने एग्जांपल दूसरी डिस्कस की थी साइंस अचीवमेंट टेस्ट, आप एकेडमिक अचीवमेंट, मैथमेटिक्स अचीवमेंट या टेंथ में मैथ्स के स्कोर, टोटल टेंथ में स्कोर, ऐसी कोई एग्जांपल लेके चल सकते हैं। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेज टू अप्लाई एनपीसी इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेडिंग एंड स्कोरिंग। फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, अपनी क्लास को ही स्कोर देने हैं किसी भी ट्रेट पर, बेशक वो आप मैथ्स के टीचर हो, मैथ्स की स्कोरिंग है ना, तो आप मान के चलोगे आप बीएड के टीचर एजुकेटर हैं तो स्किल इन टीचिंग के जो है ग्रेडिंग है। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेडिंग और स्कोरिंग। आप टीचर हो, एग्जाम लेने गए हो, तो आपके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक अजम्पशन, एक बेस है कि जिन बच्चों का आप एग्जाम लेने जा रहे हो उनके स्कोर जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 34 टोटल 60% केस जो हैं वो नियरली एवरेज हो। मान लीजिए आप 100 बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, उसमें से लगभग 68% बच्चे जो हैं वो एवरेज के बीच लाई करें। 13-14% बच्चे जो हैं उनका स्कोर, 100 में से 13 बच्चे उनका स्कोर एवरेज से लो हो, और 13 ही बच्चे लगभग ऐसे होने चाहिए जो एवरेज से प्लस हो, और 2% बच्चे जो हैं वो लगभग फेल के करीब, और बहुत ज्यादा सुपीरियर जिन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट ली है। ये परफेक्ट नहीं बनेगी क्योंकि डाटा आपका 100 का है, लेकिन नियरली नॉर्मल आप ये कर्व बेस बनेगी और आपको गाइड करेगी एज एग्जामिनर। उसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी है। ये पॉइंट सेकंड है ग्रुप की डिवीजन, आपने सब ग्रुप में करनी है, तो उसके लिए आप स्कोर देख लोगे कि -1 स्टैंडर्ड सिग्मा और +1 सिग्मा पर कितना कट पॉइंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 आइटम्स हैं या 100 में से मार्क्स दिए गए हैं, जहां आईक्यू की एग्जाम्पल ले लीजिए, सिंपल यहां पर लिखा है 100 जो है उसका सेंट्रल मीन मीडियन मोड है, 85 पर पहला कट लगा है और 115 पर दूसरा कट लगा है। इसी को आप अचीवमेंट टेस्ट की एग्जांपल लेके चल सकते हो। इट मींस 85 स्कोर से लेके 115 स्कोर तक अगर बच्चे का स्कोर आता है तो वो एवरेज है। सिग्मा -2 अगर 70 तक स्कोर आता है तो वो बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। अगर 115 से 130 तक आता है तो वो अबव एवरेज है, और अगर 70 से कम स्कोर आता है वो वेरी लो, और अगर 130 से अलग अधिक स्कोर आता है तो वो वेरी हाई। तो ये 5 कैटेगरी बन गई। वेरी लो ये बार बार यूज होनी है जब हम स्टे 9 करेंगे, जेड स्कोर करेंगे, यही एग्जांपल बार बार आपने देनी है। तो एनपीसी हेल्प करती है आपको लेवल या ग्रुपिंग करने के लिए। तो आपने बच्चों के 5 ग्रुप बना लिए, वो ग्रुप जो वेरी लो है, वीक है, इसको एक्स्ट्रा क्लास आप टीच करोगे, है ना, और ये बिलो एवरेज है इनके लिए कोई और स्ट्रेटेजी होगी, अबव एवरेज के लिए कुछ और हाई अबव एवरेज के लिए कुछ और वेरी हाई के लिए स्ट्रेटेजीज कुछ, टीचिंग स्ट्रेटेजी कुछ और होगी। इस एग्जांपल को याद रख के आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ये ग्रुप को, एक क्लास को सब ग्रुप में हमने एनपीसी के बेस पर डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। साइकोलॉजी में भी, एजुकेशन में भी, दोनों में अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या देनी है,
फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम स्टैंडर्डाइज इंडिया में नहीं किया जाता, SAT अमेरिका ने, SAT स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट है ना, हमने यहां सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट लिखा है, वो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल है IQ टेस्ट की, ये तीनों चारों एग्जाम्पल देनी है बस आपने। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का मतलब क्या है, जिस टेस्ट का आइटम एनालिसिस स्टैटिस्टिकल, वो भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प करती है, और दो शब्द याद रखने हैं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी, अगर तीसरा नॉर्म्स। वैसे चारों याद रख लो क्योंकि चारों आगे चल के इसके मेन पॉइंट बनने हैं। साइकोमेट्रिक्स नेक्स्ट पॉइंट है, डरना नहीं है, सिर्फ यहां एग्जांपल्स साइकोलॉजी की देनी है, पीछे एजुकेशन की अगर दी है ना, IQ की एग्जांपल पीछे मच दी है। यहां पर टू मेजर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, बिलीफ, एबिलिटीज, क्रिएटिविटी, इनकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। साइकोलॉजी में इन ट्रेट्स को मेजर करने के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प करती है। ये इजी पॉइंट है। अचीवमेंट कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल आपने दो डिस्ट्रिक्ट को, चार डिस्ट्रिक्ट को, या दो स्कूल्स को, चार स्कूल को, दस स्कूल की अचीवमेंट को कंपेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? वहां नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल स्कूल नंबर 1 है, ए है, है ना, दूसरा स्कूल नंबर 2 है, बी है। स्कूल नंबर 1 के कितने बच्चे एवरेज आए हैं, स्कूल बी के कितने बच्चे एवरेज आए हैं, कंपैरिजन हो रहा है। कितने बच्चे बिलो एवरेज हैं ए स्कूल के, और कितने बच्चे बी स्कूल के बिलो एवरेज हैं, ऐसे ही कंपैरिजन किए जा सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के। एक डिस्ट्रिक्ट का डाटा, उसकी जो कर्व बन रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की क्या बन रही है, उसका कंपैरिजन हो सकता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट गैप्स। अचीवमेंट गैप्स है दो कैटेगरी जहां जिनकी जिनके साथ नॉर्मली इनजस्टिस होता है, सोशली डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, उनका कंपैरिजन करने के लिए NPC यूज हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, जहां जेंडर मेल और फीमेल के किसी स्कोर को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट है, इसको हम अचीवमेंट स्कोर लेके मान लीजिए चलते हैं, तो ये देखने के लिए कि बॉयज का स्कोर मिनिमम 55 से शुरू हुआ है और हाईएस्ट गया है 145 तक, ये मान लीजिए। और ये पॉसिबल है कि क्योंकि गर्ल्स जो है एकेडमिक अचीवमेंट ज्यादा है, उनका स्कोर ही 65 यहां 65 से शुरू हो रहा हो और हाईएस्ट उनका 160 जा रहा हो, तो ये कर्व उनकी बॉयज की बनेगी, गर्ल्स की बनेगी, कंपैरिजन से पता चल जाएगा कितनी गर्ल्स जो एवरेज हैं, कितनी बिलो एवरेज हैं, कितनी वेरी लो हैं, कितनी अबव एवरेज हैं, कितनी वेरी हाई है, ऐसे ही बॉयज के साथ इनका कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम इवेल्युएशन। यहां प्रोग्राम को समझ लेना चाहिए, प्रोग्राम ऐसा कोई एजुकेशनल प्रोग्राम जहां इंटरवेंशन के, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में आधे बच्चों को किसी एक मेथड से टीच कर रहे हैं, दूसरे को ट्रेडिशनल से कर रहे हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सिर्फ रिसर्च सारी इससे समझ आएगी, रिसर्च वाले पॉइंट भी। फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन जो है ये वाला ग्रुप बन गया, दूसरा ये ग्रुप बन, इन बच्चों को पढ़ाया आपने कोऑपरेटिव लर्निंग से मेथड से और इनको लेक्चर मेथड से, वही कंटेंट, इनका प्री टेस्ट लिया पहले, ये रिसर्च में भी यही एग्जाम्पल चलेगी। मान लीजिए इनका मी स्कोर था 50, व्हाइट पेन यूज कर लेते हैं यहां पर, इनका प्री टेस्ट लिया, मीन स्कोर आया उसी टेस्ट पर जो साइंस टेस्ट हमने बनाया 50, और इनका भी 50 आया मीन स्कोर, देखा मीन स्कोर काम आ गया ना, तो इनको कोऑपरेटिव लर्निंग से टीच किया और इनको लेक्चर मेथड से टीच किया और इनका स्कोर हो गया पोस्ट टेस्ट में, पोस्ट टेस्ट में एक महीना ऐसे पढ़ाया तो इनका स्कोर हो गया 80 और इनका स्कोर हो गया 50 से 60। तो ये जो डिफरेंस है ये अब कंपेयर करना है, ये 80 से 60 इनको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक टी टेस्ट लगता है। और टी टेस्ट की क्या अजम्पशन है कि दोनों की, ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हो और दोनों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर दोनों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अजम्पशन तो टी टेस्ट नहीं लगेगा, यहां NPC काम कर रही है और ये बताएगा कि ये डिफरेंस एरर के कारण है या रियल डिफरेंस है, ये टी टेस्ट ने बताना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको बोलते हैं। तो ये जब टी कंपैरिजन करके बताता है कि ये एरर के कारण नहीं है, ये जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो दिया था, इंटरवेंशन प्रोग्राम है ना कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके कारण ये इतना चेंज आया है,
तो वो कह सकते हैं इसका मतलब टेस्ट हो गया कि कोऑपरेटिव लर्निंग लेक्चर मेथड से बेटर है अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए। बार बार एग्जांपल यूज होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको डर लग रहा होगा, हाई स्टेक टेस्टिंग के लिए ये वर्ड याद रखना है, मेजर डिसीजन जब एजुकेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल ये यहां तो पनिशमेंट की भी एग्जाम्पल दे दी है ना, हाई स्टेक के लिए पनिशमेंट शामिल होती है कि पनिश करना है, बहुत लो बच्चे आए हैं इतने ज्यादा एफर्ट्स के बाद, तो नेचुरली उनको निकालना है, उनको सिस्टम से सिलेक्शन से बाहर निकालना है, कुछ ऐसे हो सकता है, जॉब सिलेक्शन से तो बाहर हो सकते हैं ना, तो ऐसे ही अवार्ड देना है किसी बच्चों को, है ना, हाई कर्व के इधर वाले सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे ही के नेक्स्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेसिफिक में इनको सीट मिल सकती है नहीं, तो ऐसे टेस्ट जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, जैसे आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट है लेकिन वह स्टैंडर्डाइज नहीं है, लेकिन हाई स्टेक है, हाई स्टेक रह नहीं गया क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कम है और सीट्स ज्यादा। आप नीट की बात कर लीजिए, नीट मेडिकल के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, इंजीनियरिंग में कितना ज्यादा कंपटीशन है, उसके एग्जांपल ले लीजिए। हाई तो हाई स्टेक टेस्ट में रिसर्चर माइट कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर ऑफ कॉलेज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, मतलब नीट का वगैरह अचीवमेंट टेस्ट का, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहां हेल्प करती है फिर दोनों का कंपैरिजन के लिए, पिछली बातें यहां रिपीट होंगी, तो वो डिसीजन लेने में यहां पर हेल्प करेगी कि ये बच्चा एवरेज है, एवरेज बच्चे हमने नहीं लेने इस कोर्स में, अबव एवरेज वाले लेने हैं, है ना, जहां हाई एवरेज वाले ये बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे और ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेजर डिसीजन मेकिंग है, हाई स्टेक्स टेस्टिंग हमेशा, दैट इज व्हाई एनपीसी 2020 में हाई स्टेक टेस्टिंग को मना किया गया है। इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस, इंटरवेंशन का मतलब और इंटरवेनिंग का मतलब ब्रीफ में समझ लीजिए। मान लीजिए बिहार का ये इलाका है जहां पर लिटरेसी लेवल गर्ल्स का बहुत ज्यादा कम है इंडिया के लिटरेसी लेवल से, तो यहां गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी। इंटरफियर क्या होता है, ऐसा दखल देना कुछ जो सिचुएशन है और गिरावट वाली बन जाए। इंटरवेन क्या होता है, ऐसा दखल देना कि जो सिचुएशन है उसको, सिचुएशन को इंप्रूव कर देना, वो बेटर बन जाए। इट मीन्स इंटरवेंशन इज पॉजिटिव टर्म, इंटरफेरेंस इज नेगेटिव टर्म। तो उन बच्चियों की एजुकेशन को बेटर करने के लिए मान लीजिए जो एरियाज आइडेंटिफाई हुए इंडिया में, ये मान लीजिए तो वहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेजिडेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी फैसिलिटी वहां वहां दे दी गई, तो ये इंटरवेंशन प्रोग्राम है। तो वो देने के बाद 3-5 साल बाद फिर उनकी जो है लिटरेसी लेवल टेस्ट किया जाता है, तो यहां ऐसी रिसर्च में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चियां अभी भी लिटरेसी में या एजुकेशन में अचीवमेंट टेस्ट में पिछड़ रही हैं, एवरेज से डाउन है, है ना, नेशनल की कर्व से कंपेयर करेंगे इंडिया की कर्व से, तो कितनी नेशनल की कर्व में आ चुकी हैं और कितनी उनसे आगे जा रही हैं। अबिलिटी एस्टिमेशन, फॉर एग्जांपल यह मैंने इंट लिख दिया है गिफ्टेड एवरेज बैकवर्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रिएटिविटी का आप एग्जांपल लीजिए, हाई क्रिएटिव, एवरेज क्रिएटिव और लो क्रिएटिव बच्चे आइडेंटिफाई करने हैं आपने क्रिएटिविटी टेस्ट पर, जो है डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गई उनका, मान लीजिए क्रिएटिविटी का स्कोर ये मीन 100 है और ये 3 डिवीजन आप बना सकते हो, वेरी लो जैसे पीछे बनी है, बिलो एवरेज, है ना, बिलो एवरेज, ये एवरेज हो गई, अबव एवरेज और ये हो गई हाई एवरेज क्रिएटिव बच्चे, है ना, तो इनके लिए हाई और अबव एवरेज क्रिएटिव बच्चों के लिए आप डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हो एजुकेशनल। फॉर एग्जांपल ईशान की जब एबिलिटी टेस्टिंग, तारे जमीन पर की बेस्ट एग्जांपल, चलो याद आ गई, तो जब ईशान को यहां पर ट्रेट उसका रीडिंग होगा, रीडिंग है ना, उसकी रीडिंग एबिलिटी देखी जाएगी, तो ईशान यहां लाई करेगा लोएस्ट में, ये 2% में आएगा। जब ईशान की पेंटिंग यहां मिटा के देखिए आमिर खान ने क्या किया, इस ट्रेट को कहते हैं रीडिंग को हटा दो, पेंटिंग यहां ले आओ और ड्राइंग ले आओ, आर्ट वर्क ले आओ, है ना, आर्ट वर्क यहां ले आए, तो वो बच्चा हाई अपने टीचर को भी एक्सेल करके टॉप पर यहां पर आ गया। देखिए एक ट्रेट पर वो कर्व के यहां पर है एबिलिटी एस्टिमेशन और एक ट्रेट पर वो लोएस्ट है, तो अच्छी एजुकेशन ने पॉजिटिव साइड बच्चे की पर फोकस करना है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, यही पर इसी पर सारी फिल्म।
रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस, फिर वही एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट की, कोऑपरेटिव लर्निंग की दे सकते हो। प्रॉब्लम, रिसर्च के स्टेप क्या है, नंबर दो पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन फॉर्म करने, डाटा, तीसरा स्टेप कलेक्ट करना, तीसरा डाटा एनालाइज करना, और लास्ट में होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप गर्ल्स एंड बॉयज में डिफरेंस देखना चाहते हो तो आपने आईक्यू का जो डाटा कलेक्ट किया है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का डाटा एनालिसिस करने के लिए आप अब कंपेयर करोगे, टी टेस्ट लगाओगे। टी टेस्ट के लिए फिर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हेल्प करेगी। अगर कुछ नहीं याद रखता रहता तो आप डाटा एनालिसिस और कंपेयर, बच्चा इन डेप्थ में लिखना चाहता है वो पैरामेट्रिक टेस्ट एनपीसी, अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी डाटा आता है तो पैरामेट्रिक टेस्ट लग सकता है, जिसकी एग्जांपल मैंने टी टेस्ट अभी दी है, अनोवा भी उसी की एग्जांपल है। जनरलाइजेशन, सामान्यकरण, ये समझ लेना चाहिए, पहले कंसेप्ट में समझा है, पहले हमारे पास पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल ली थी नाइन्थ ग्रेड के सीबीएसई के दिल्ली के बच्चे 10,000 है, 10,000 में से हमने 100 सेलेक्ट किए, और 100 सेलेक्ट करके जब 100 पर जो रिजल्ट आए उन रिजल्ट को जब अप्लाई किया फिर 10,000 पर, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे और बच्चियां ले आए, ये देखा कि लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं, तो ये माना जा रहा है कि 10,000 बच्चों में जो लड़कियां हैं वो अचीवमेंट में बेहतर हैं। तो ये हो गई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से सैंपल, सैंपल में से स्टडी, फाइंडिंग, और फाइंडिंग को फिर पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया, इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेडिंग भी पहले वाला ही पॉइंट है, शुरू में जो करके आए थे, फर्स्ट पॉइंट स्कोरिंग हमेशा ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नियरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जेड स्कोर, ये अलग से आपका टॉपिक भी है, जेड स्कोर अगर किसी बच्चे का आपने एक क्लास में से अपने सीबीएसई का नाइन्थ का स्कोर आपके पास 10th class का 9th class का है और बच्चे का जेड स्कोर निकाल के हम हेल्प कर सकते हैं कि बच्चा पॉपुलेशन में कहाँ लाई कर रहा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं उसकी ही पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का स्कोर 115 है तो जेड स्कोर की कैलकुलेशन से ये पता चल जाएगा, मान लीजिए 116 है तो बच्चा नियरली अबव एवरेज यहाँ। स्टेनाइन स्कोर, जैसे ही वो 5 डिवीजन है जेड स्कोर में होती, ऐसे ही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की 9 डिवीजन है और आइल्स के 9 बैंड आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर ही बेस्ड हैं, तो ये एग्जांपल आइल्स की आप दे सकते हो कि उसकी 9 डिवीजन जो है इस पर बेस है। फॉर एग्जाम्पल ये बैंड देखिए, ये बैंड है 9 है ना, एक्सपर्ट यूजर, तो ये उनको जो डिस्क्रिप्शन, इस डिवीजन में ये मिड वाले जो हैं एवरेज, ये 5 बैंड जिसके हैं वो 20% बच्चे होंगे, तो सिलेक्शन के लिए हायर वाले, हाई स्टेक भी हो गया ना, ये 6 बैंड वाले ये अबव एवरेज 17% बच्चे होते हैं, 7 बैंड वाले 12% बच्चे होंगे पॉपुलेशन में से, 8 बैंड वाले 7% बच्चे होंगे, और 9 बैंड लेने वाले 100 में से 4% बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटलायर, मैं सिर्फ आउटलायर लिख रहा हूं, देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, जब समझोगे इतना इजी कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट लिया, ओके, तो टेस्ट में एक बच्चे के ये लास्ट स्कोर 50 तक आया, लेकिन दो बच्चों के स्कोर 15 या 20 आ गए, ये इट मींस जो लास्ट नॉर्मल रेंज चल रही है उससे बड़ी दूर वाले, ये आउटलायर है। ऐसे ही 145 है, 146, 47, 48, 49, 50 किसी के नहीं है, सीधे 170 किसी के आ रहे हैं बच्चे, तो ये हो सकता है ये एरर वाले बच्चे हों, इन बच्चों को जब रिसर्च करनी होती है इनको डाटा में शामिल नहीं किया जाता, इसको कहा जाता है आउटलायर आइडेंटिफाई करने, जो एक्सट्रीम पर बच्चे एक्सट्रीम से भी परे आ रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेजरमेंट एरर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जब डाटा सही तरह से इकट्ठा नहीं। असेसमेंट ऑफ नॉर्मलिटी, कोई भी ट्रेट एजुकेशन में आप लोगे तो यही अज्यूम किया जाता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आपके टीचिंग मेथड या एजुकेशन या क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है जो अब नॉर्मल हो, मतलब वो स्क्यूड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लोअर साइड में बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और पॉजिटिव साइड में कम आ रहे हैं,
तो ये क्या हो गया पॉजिटिव साइड, यहां से ये डाउन है और ये पॉजिटिव स्क्यूड बच्चे अगर आ रहे हैं तो ये गलत होगा, कोई कुछ गड़बड़ है, इससे पता चलता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहां हेल्प कर रही है। मेटा एनालिसिस बेशक ये टॉपिक मत कीजिए, बहुत इजी है। कोऑपरेटिंग एग्जांपल, कोऑपरेटिव लर्निंग के पीछे मैं एग्जांपल देके आया हूं। कोऑपरेटिव लर्निंग पर मान लीजिए 50 स्टडीज हुई हैं और वो 50 स्टडीज को इकट्ठे जब एनालाइज कर उनकी फाइंडिंग्स को कंपेयर करना है स्टैटिस्टिकली, तो उसको वो कंबाइंड स्टडी, कंबाइंड रिजल्ट जो है फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज, इतनी बात है, उसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं। उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वैसे ही हेल्प करेगी जैसे पीछे करके आए हैं, मतलब जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग करने में ये नॉर्मल रिसर्च से मच बेटर है, क्योंकि 50 स्टडी का आप एनालिसिस कर रहे हो तो बेटर जनरलाइजेशन है ये। आप कोई सर्च करना मेटा एनालिसिस। नेक्स्ट है आइटम डिफिकल्टी, मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन बनाए हैं और अपने 200, 400, 500, 1000 बच्चे पर लगाए है ना, तो आपके पास स्कोर आ गया। मान लीजिए उसमें एक आइटम है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर सिर्फ 100 में से 2 बच्चों ने दिया, 2 बच्चे उसको पास कर सके, इट मींस वो हाई डिफिकल्टी लेवल, हाई डिफिकल्ट आइटम है, हाई डिफिकल्ट आइटम। और एक आइटम ऐसी है, दो आइटम ऐसी हैं जिनको 98% बच्चे पास कर पाए, 2 नहीं कर पाए, इट मींस वो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान वेरी लो। तो वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल निकाला जाता है, जब सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट करने के लिए वो आइटम सिलेक्ट की जाती हैं वो जो मोस्टली एवरेज, जो 40% से 60% बच्चे जिसको पास कर जाएं वो बेस्ट आइटम होती हैं, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वहां हेल्प करती है। अगर ये आइटम आपने रखनी है तो नेचुरली ये लगभग ये 68% ये होंगी और ये जो इजी आइटम है वो 13% होगी और 2% जो है वेरी इजी जिसको लगभग सभी सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही 13% डिफिकल्ट और 2% बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जिसको शायद कोई ही कर पाए, ये आइटम हेल्प करती है हाई एबिलिटी बच्चों को आइडेंटिफाई करने। जब आप टीचर एक क्वेश्चन आइटम्स बनाता है तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन करनी होती है, वो आइटम अच्छी होती है जो काबिल बच्चे और कम काबिल बच्चे, जिसके पास नॉलेज ज्यादा है और जिसके पास नॉलेज कम है, उनमें डिफरेंस कर सके। अगर कोई आइटम ऐसी आपने क्वेश्चन बनाया नलायक बच्चे ने भी उसका, नलायक वर्ड नहीं यूज करना, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसने भी उत्तर दे दिया और जिसके पास नॉलेज बहुत थी, बहुत पढ़ा था, उसने भी उत्तर दे दिया, इट मीन्स वो पुअर आइटम है। आइटम अच्छी कौन सी है, जो जिसके पास नॉलेज है वो उत्तर दे सके और दूसरा उत्तर ना दे सके। हमारे बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, यूजीसी नेट में ऐसी आइटम है जिसका कोई भी उत्तर दे सकता है लगभग 10-20%। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी उसी टेस्ट की आपने कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है। अगर आइटम आपने सेलेक्ट जब की है, आपने इस कर्व का ध्यान रखा है ना, ज्यादा हाई डिस्क्रिमिनेशन वाली और डिफिकल्ट लेवल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड किया है तो वो रिलायबल ही होगा। रिलायबल होता क्या है, जिस टेस्ट को आप मान लीजिए आज लगाया आपने तो उसका स्कोर टेस्ट का आया 60 और 2 हफ्ते बाद उसका स्कोर आया 61, इट मीन ये स्टेबल स्कोर है चल रहा, तो ये रिलायबल ज्यादा है। दूसरा टेस्ट उसका आज ये लगाया 60, 2 हफ्ते बाद लगाया और उसने जो स्कोर दिया मीन स्कोर वो इतना, इट मीन ये अनस्टेबल है, ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म्स आपने डेवलप करने हैं, इतना वर्ड याद रखना है। नॉर्म क्या है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ग्रुप की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है, उसके लिए बेस्ट है परसेंटाइल। यूजीसी नेट के एग्जाम का रिजल्ट आप देखिए, वो परसेंटाइल में आता है, वो बच्चा सिलेक्ट होता है जो 99.1% या 99.8% है ना। इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल 99 आया, इट मींस 99% बच्चों को उस बच्चे ने पीछे छोड़ दिया है। ये ध्यान से देखिए, अगर ये जेड स्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां परसेंटाइल यूजीसी नेट में जो बच्चा स्टैंडर्ड डेविएशन +3 तक, यहां तक आता है, फॉर एग्जांपल 145, 144, 141 इतना स्कोर लेता है ना,
इट मींस उसका परसेंटेल कितना बना, 99.9 अगर 45 है तो उसका 140 पर लगभग 99 बनेगा। तो जो 99% बच्चों को पीछे छोड़ देता है, अगर आपका 140 स्कोर आया तो ये बता रहा है कि आपने कितने बच्चों को ग्रुप में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, लगभग टॉप पर। अगर आपका स्कोर मान लीजिए ये परसेंटाइल 16 आया है, इट मींस 15% बच्चों को आपने पीछे छोड़ा है, बाकी इतने बच्चे आप। तो ये एप्लीकेशन थी एजुकेशन में एनपीसी की। तो जो मेन कंसेप्ट है शुरू में समझाए गए, एक मैंने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की, मीन मीडियन मोड की बात की, नॉर्मल कर्व को यूज़ किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ किया। तो ये दो तीन बातें याद रख के आप ये पॉइंट याद रखिए और दो दो लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एनपीसी के पॉइंट को याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक्स हैं, तीन भागों में बांटा है। पहला भाग है एकेडमिक एग्जामिनेशन या एवेल्युएशन या असेसमेंट, दूसरा रिसर्च है ये ग्रीन कलर का, रेड का रिसर्च डाटा एनालिसिस, तीसरा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तीन बड़े ब्रॉड कैटेगरी की हैं। हर कैटेगरी को याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एकेडमिक एग्जामिनेशन के से रिलेटेड जो 5-6 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, उनको याद रखने के लिए सेंटेंस लिखना है आपने, हिंदी में लिखना है, ये वर्ड इंग्लिश में लिख लेने। आप स्कोरिंग करके ग्रुपिंग कर रहे हो या हाई स्टेक टेस्टिंग कर रहे हो, ये याद रखना है। इससे क्या है के एब्रिवेशन जो बन जाएंगी, बाकी एब्रिवेशन अब बनाएंगे। ये पहले को मैंने जोड़ दिया ए को अचीवमेंट कंपैरिजन पर, ये वैसे यहां पर मैं लिखूंगा पूरा अचीवमेंट कंपैरिजन, फिर याद होगा। दूसरा अचीवमेंट गैप्स, यहां दूसरा कंपैरिजन के साथ गैप्स लिख लिया। तीसरा यहां पर ऊपर लिख सकता हूं ए से एबिलिटी एस्टिमेशन, मैंने एबिलिटी लिख लिया। पी से दो बन रहे हैं प्रोग्राम एवेल्युएशन, प्रोग्राम एवेल्युएशन, और से लिख लिया मैंने साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी के टेस्ट की, है ना। और बाकी आप स्कोरिंग करके ग्रुपिंग कर रहे हो या हाई स्टेक टेस्टिंग कर रहे हो, तो स्कोरिंग एक पॉइंट है, ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग एक पॉइंट है, हाई स्टेक टेस्टिंग एक पॉइंट है, तो ये वाले याद हो गए। दूसरा रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट्स को याद करने के लिए ये वाइड किए हुए हैं, ये मेन पॉइंट याद रखने हैं, बाकी खुद ब खुद याद रह जाते हैं। अगर एक बार आपने वीडियो देखा है तो इसमें मैंने सेंटेंस बनाया है, मैं जनरली या नॉर्मली इंटरवेन नहीं करता, मैं रिसर्च करता हूँ आउटलायर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें आउटलायर आइडेंटिफाई करने के लिए एक पॉइंट पूरा बन गया, रिसर्च पूरा पॉइंट बन गया, इंटरवेंशन प्रोग्राम पूरा बन गया, नॉर्मेलिटी असेस करना पूरा बन गया, जनरलाइजेशन पूरा बन गया, और एम से मैंने लिख लिया मेटा एनालिसिस। तो ये सेंटेंस आप हिंदी में अपने तरीके से, जिनमें ये वर्ड्स आए आप इसका कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो। तीसरा पार्ट इसका बड़ा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, ये भी मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट से ही बाकी पॉइंट ये वाले एसोसिएट कर लेंगे। स्टैंडर्डाइज के पहले भाग को ऐसे स्टेन ये रहा, स्टैंडर्ड से इससे स्टेनाइन स्कोर बना लेंगे, जेड से जेड स्कोर बन गया, डी बार बार आ रहा है, ये रहा डी, ये रहा डी, और आई डी ये रहा, ये हो गया आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और ये दूसरा यहां लिख सकते हैं आइटम डिफिकल्टी, ये आर को उठाया मैंने इधर ले गया, ये लिख दिया रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, वैलिडिटी एन को उठा के नॉर्म्स, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी हो सकता है, नॉर्म्स भी हो सकता है, जिसको परसेंटाइल भी आप बोल सकते हो, परसेंटाइल। ये देखना है मुझे कौन से याद हुए हैं जब कौन से याद नहीं हुए, सच में मैंने अभी जो वीडियो बनाई है अभी देखता हूँ याद हुए हैं, कोई भूला तो नहीं, जो भूला है वो देख के आपको फिर एग्जाम में नहीं भूलता। फॉर एग्जाम्पल जेड भी हो गया, स्टेनाइन नॉर्म भी हो गया, रिलायबिलिटी वैलिडिटी आइटम डिस्क्रिमिनेशन आइटम डिफिकल्टी सभी हो गए, टेस्ट डेवलपमेंट या सिलेक्शन ऑफ आइटम, ये एस के साथ, इसके साथ आप याद रख सकते हो सिलेक्शन ऑफ आइटम, इस एस के साथ ये डिफिकल्टी था, ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये आइटम की, तो ऐसे इजी कर सकते हैं। मैंने क्या चंकिंग की, इसको
डिवीजन की और सब डिवीजन कर ली। डिवीजन में सेंटेंस दो लिखे और तीसरा ये पूरा पॉइंट लिखा, उसके साथ एसोसिएट कर ले। इसमें से दो तीन चार भूल भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको 80-90% याद रखेंगे। याद रखना, एग्जाम किसी भी एग्जाम में आप अगर उस पॉइंट पर टेंशन देते हो कि ये मैं भूल रहा हूं, तो वो भूल रहा आपका नुकसान कर रहा है, उसको छोड़ दो। आप यही सोचो कि मैंने 90% रिप्रोड्यूस करने हैं, जो मुझे भूल रहा है मैं उस पर एनर्जी नहीं लगाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।